हेलो एवरीवन आई होप यू आर फाइन एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड तो कल मेरा इंटरव्यू था आरआरबी पीओ का Uh, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप बताइए कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा तो मैं सबको इंडिविजुअली तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मेरा इंटरव्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लंबा सा चला था तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे okay. बट उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जब मेरा डी हो रहा था जब मेरी मार्कशीट्स वगैरह चेक हो रही थी डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे तो उस टाइम पर जो सर वहाँ पर थे उन्होंने मुझसे बोला था कि आप तो भोपाल से हैं तो आपने यहाँ अप्लाई किया है तो मैंने उनको रीज़न बताया एंड देन उसके बाद उन्होंने से बोला कि अच्छा तो आप कॉमर्स uh, बैकग्राउंड से हैं आपकी तो डिग्री डिग्रिया कॉमर्स की है आपका तो इंटरव्यू बहुत अच्छा होने वाला है ठीक है uh, हमारी थोड़ी बहुत बात और भी हुई थी कुछ कन्वर्सेशन थी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली बट देन ही कि आपका तो इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा तो आई थॉट कि वो ये कह रहे हैं कि मैं अच्छा बोल रही हूँ तो uh, मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा बट उनका सेंस ये था कि हाँ कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स वालों से तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं मैं देख लूंगी सर आई एल मैनेज तो सर ने कहा ठीक है आ, अच्छा तो बताओ उन्होंने सर ने मुझसे दो तीन क्वेश्चन वही पूछ लिए थे तो मैंने आंसर दे दिए थे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे तो उन्होंने कहा ठीक है आ, मैंने कहा कि आ, सर आंसर कैसे है एटलीस्ट मैं रिवाइज कर लूँगी अभी तो सर ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली हमें दो दिन पहले एक लड़की ने ये क्वेश्चंस बताए थे कि ये बहुत टफ पूछ रहे हैं तो हमने बस सुन लिया तो हमने आपसे पूछ लिया तो ये सा हुआ था मेरा मतलब ऑलमोस्ट वहीं से इंटरव्यू शुरू हो गया था तो आई वॉज़ फीलिंग लाइक दैट देन फिर हमें पैनल पे बाहर जो हमें वेटिंग एरिया होता है वहाँ पे हम वेट कर रहे थे एक्चुअली मेरे जो आगे कैंडिडेट था उनका इंटरव्यू हुआ एंड देन उसके बाद लंच हो गया ठीक और लंच के आई थिंक फिफ्टीन मिनट्स थे तो फिफ्टीन मिनट्स अराउंड वी वर वेटिंग आउट दैर एंड देन uh, वो जो सर थे जो बाहर बैठे होते हैं जो आपका साइन वगैरह लेते हैं असिस्टेंट जो होते हैं उस टाइम पर तो उन सर ने भी मुझसे बहुत सवाल पूछे थे कि अच्छा बताइए ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है फीमेल्स की पोजीशन क्या चल रही है वुमन एम्पावरमेंट भी क्या चल रहा है इस तरीके के थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे थे कि आपने वहाँ जॉब की है तो मतलब मेरा जो भी जॉब प्रोफाइल था उसके बारे में पूछा कि अच्छा आपने मतलब बहुत सारा उन्होंने वहीं पूछ लिया था क्योंकि लंच हो गया था और मैं ही उनके बाजू में बैठी हुई थी तो काफ़ी कुछ पूछ लिया उन्होंने तो आई वॉज फीलिंग लाइक अरे आप ही पूछ ले रहे हो सब कुछ तो ऐसा हुआ एंड लंच खत्म हुआ हम uh, अंदर आई I मीन mean, मुझे बोला सर ने कि आर यू रेडी तो मैंने बोला यस सर बिल्कुल रेडी तो मैंने गेट ओपन किया एंड देन uh, गेट ओपन करने के मतलब वो बेल बजी मैंने गेट ओपन किया तो जो अंदर सर थे उन्होंने कहा बेटा दो मिनट रुकना तो मैं फिर से वापस आ गई ठीक मुझे वापस आके फिर से उन्होंने बेल बजाया एंड देन अगेन आई एंटर्ड एंड देन अगेन ग्रीटेड एवरीवन कि गुड आफ्टरनून मैम एंड गुड आफ्टरनून सर्स मैन मैम जो है बहुत एकदम लास्ट में बैठी हुई थी पहले सर्स बैठे हुए थे मेरे राइट हैंड साइड पे ऐसे ही ऐसा वाला पैनल था अब मैं इसमें कैसे बताऊँ मतलब मेरे गेट खोलते ही मेरे राइट हैंड साइड पे लाइन से पैनल बैठा हुआ था और मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे चेयर दी गई थी यहाँ पे बैठने के लिए मतलब वो रूम का सेटअप ऐसा था तो आई जस्ट ओपन द डोर ग्रीटेड द मॉल एंड देन दे सेड कि बैठिए बैठिए ठीक वो मैं बैठी एंड देन उनको थैंक यू बोला और फिर उन्होंने सर ने मुझसे पूछा एक आई थिंक सेकेंड लास्ट सर थे सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड तो वो सर थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आ, अच्छा शीतल जी अपने बारे में संक्षिप्त में बताइए ठीक है तो उन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा तो आई स्टार्टेड इन हिंदी तो मैंने हिंदी में उन्हें बताया आ, अपना नाम मैं कहाँ से आई हूँ भोपाल से और मैंने क्या डिग्री की है एंड देन मैंने अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया तो उन्होंने पूछा कि अच्छा जॉब प्रोफाइल में आपका काम क्या था और कैसा चल रहा है वहाँ पर सब तो ये सब अब मैंने जॉब को भी काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया था मैंने सिर्फ मेंशन किया था क्योंकि मैंने वो चीज़ की हुई है तो उन्होंने वो पूछ लिया और उसके बाद फिर मुझसे पूछा कि अच्छा तो आप प्रॉपर भोपाल से हैं तो मैंने कहा कि यस सर आ, मैं भोपाल से हूँ बट मेरे दर हैं वो मथुरा से हैं और मम्मी भी यूपी से ही हैं आगरा से तो आ, बट आ, पापा की पोस्टिंग जो है वो भोपाल में हुई है तो हम लोग रहते भोपाल में हैं बट हैं हम यूपी के तो सर ने कहा अच्छा अच्छा यूपी में कहाँ से तो मैंने कहा कि मथुरा तो मे बी शायद पैनल मेंबर में से एक जो पैनलिस्ट थे वो भी मथुरा से थे तो ही जस्ट स्माइल्ड ही अच्छा 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 मथुरा से तो मैंने कहा हाँ तो उसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि आ, पापा के पोस्टिंग मैंने कहा उनसे कि पापा भोपाल में पोस्टेड हैं तो उन्होंने कहा किस डिपार्टमेंट में क्या करते हैं पापा तो मैंने कहा कि वो इंडियन रेलवेज़ में है तो कहते हैं अच्छा आ, फिर उसके बाद उनका क्वेश्चन आया था कि अभी रिसेंटली आपके भोपाल में सुखद घटना हुई है तो आप हमें उसके बारे में बताइए तो अभी रिसेंटली यहाँ पर हबीबगंज स्टेशन है जो भी एमपी से होगा उनको आ, ये पता होगा उनसे ये क्वेश्चन जरूर किया गया होगा कि आ, एमपी में हबीबगंज स्टेशन का जो नाम है कमलापति हो गया रानी कमलापति स्टेशन तो मैंने वो बता दिया कि सर अभी तो फिलहाल यही हुआ है और उन्होंने कहा और तो मैंने कहा सर और तो मुझे नहीं याद आ रहा है फ़िलहाल मुझे यही याद आ रहा है तो उन्होंने कहा चलो ठीक है उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि आपके एम में कितनी ग्रामीण बैंक हैं तो आई सेड सर दो हैं एक तो है मध्यांचल और एक है एम तो फिर उन्होंने कहा अच्छा दो ही है तो मैंने बोला हाँ सर दो ही है तो कहते हैं कि उन्होंने फिर पूछा कि आपका प्रेफरेंस क्या है तो मैंने कहा कि सर मेरा प्रेफरेंस तो यूपी है तो कहते वो हंसने लगे कि अच्छा 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 गुड गुड वेरी गुड तो ही वॉज जस्ट ट्रिकिंग मी कि uh, यूपी में आए हो तो यूपी के मतलब मे बी ही वॉज जस्ट ट्रिकिंग तो ये एक क्वेश्चन था तो वो पूरा पैनल हंस गया था और जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था उन वो सर हंसने लगे कहने लगे कि अच्छा गुड 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 उन्होंने तो uh, कमलापति पे भी क्वेश्चन पूछा था कि रानी कमलापति कौन थी तो कौन है ये ऐसे उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया उसका आंसर दिया देन उसके बाद उन्होंने बोला कि आ, अच्छा, तो, आ, उन्होंने अच्छा तो मामा जी कैसे हैं उन्होंने ऐसे कहा अच्छा तो मामा जी कैसे हैं तो मेरे मुँह से ये निकला मतलब इंस्टेंट जो मेरा रिप्लाई था वो ये था बढ़िया है तो ही वॉज लाइक एवरी पैनल पैनलिस्ट वॉज लॉफिंग कि अच्छा बढ़िया है तो ही सेड कि अरे आपके मामा जी नहीं uh, तो मैंने बोला हाँ सर प्रदेश के मामा जी चौहान जी बढ़िया हैं तो अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये वो है कि जो एम पी के सी एम है शिवराज सिंह चौहान तो वो यहाँ पर उनको सर मामा जी के नाम से ही मतलब वो उनको बुलाते हैं तो उन्होंने उस पर वो चीज़ बोली थी तो एवरी वन वॉज मतलब स्माइलिंग एंड लाफिंग लाइक दैट देन उसके बाद uh, ये चीज़ हुई एंड Uh, उन्होंने मुझसे पूछा था हाँ एक और चीज़ पूछा था कि अभी आपके आ, पिताजी रेलवे में हैं तो आप हमें यह बताइए कि अभी कौन सी न्यू रेल स्टार्ट हुई है उन्होंने मुझसे ये पूछा तो आई वॉज कन्फ्यूज कि मतलब मैं नई प्रिपेयर करके गई थी एक्चुअली ये तो उन्होंने पूछा कि नई रेल बताइए तो मैंने उनको कोविड स्पेशल बताया कि कोविड स्पेशल ट्रेन चल रही है और गरीब रथ बता दिया था मेरे मुंह से निकल गया मतलब गरीब रथ तो उन्होंने कहा नहीं ये तो बहुत पुरानी है आप तो नहीं बताइए तो मैंने कहा सर ऐसे तो मुझे याद नहीं आ रहा है बट अगर आप हिंट कर देंगे तो मैं शायद कोशिश करती हो तो सर ने कहा कि अच्छा किस कृषक कृषक कुछ उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने कहा हाँ सर किसान ट्रेन चली है तो वो हंसने लगे कहते हैं कि किसान ट्रेन नहीं किसान रेल मैंने कहा हाँ सर वही 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 तो इतना हुआ हाँ देन चेयरमैन ने कहा कि तो आपने तो हमारा गांव देखा ही नहीं है तो आई वॉज लाइक कि आपका गांव तो उन्होंने मतलब मेरे चेहरे पे क्वेश्चन मार्क आ गया होगा ऑब्वियसली तो आई वॉज बिट कन्फ्यूज कि आपका गांव तो उन्होंने कहा कि अरे मतलब हमारे यूपी का गांव ऐसा तो मैंने उनको बताया कि सर मथुरा मत, मथुरा तो मैंने जैसे ही मथुरा बोला तो उन्होंने कहा कि मथुरा तो फुली डेवलप्ड है मतलब एकदम टाउन टाइप का है तो उसको आप उधर तो आप नहीं कंसिडर कर सकते हो उसको कि वो गाँव है तो मैंने बोला नहीं सर मथुरा में आई देन आई डिस्क्राइब कि मेरा गांव एग्जैक्टली exactly कहाँ है तो वो सेटिस्फाइड थे कि हाँ मैं सही बता रही हूँ उनको क्योंकि जो पैनल में जो मेम्बर बैठे थे वो मे भी वो वहीं कहीं से थे तो उन्होंने वो राइट कर लिया कि हाँ ये सही बोल रही है देन उन्होंने बोला कि अच्छा आप गाँव से आप हो तो आपके पास खेती बाड़ी भी होगी तो आई सेड हाँ सर खेती बाड़ी है मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी uh, है बट आई डोंट नो अबाउट दैट मुझे एग्जैक्टली exactly उसका अंदाजा नहीं है एक्चुअली आई वॉज स्किपिंग दैट क्वेश्चन मुझे ना मैंने इतना प्रिपेयर नहीं किया था इस चीज़ को मैंने अपना एम कॉम सेक्शन थोड़ा सा पढ़ लिया था तो मैंने इसको स्किप करना था मुझे तो मैंने ये कहा कि मुझे इतने अच्छे से अब उसका एग्जैक्ट मुझे नहीं आता है बट मैं वहाँ रही हूँ मुझे माहौल पता है वहाँ का तो क्योंकि जाना आना होता रहता है ऑब्वियसली uh, मेरा है वहाँ पर घर तो हमारा जो प्रॉपर घर है वो यूपी में ही है तो सर कहते हैं अच्छा ठीक है उन्होंने मुझसे एग्रीकल्चरल पूछा ही नहीं फिर उसके बाद फिर तो वो मैम की तरफ इशारा किया कि मैम आप पूछ लीजिए तो मैम बिल्कुल कोने में बैठी हुई थी लास्ट वाली मैम थी या कहते कह सकते हैं फर्स्ट वाली जो थी वो मैम थी तो मैम ने मुझसे बोला कि उन्होंने मुझसे बजट का एक क्वेश्चन पूछा था तो वो बहुत डीप में उन्होंने कुछ पूछा तो मुझे नहीं आया तो आई सेट सॉरी तो ये पहली चीज थी आई थिंक तो इस पर मैंने सॉरी बोला एंड देन उसके बाद उन्होंने पूछा अच्छा तो आपने ओलंपिक तो फॉलो किए होंगे तो मैंने बोला यस yes, मैम देन उन्होंने बोला पैरालंपिक्स तो मैंने कहा यस मैम तो उन्होंने जो नॉर्मली अभी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं तो उन्होंने ये पूछा कि अच्छा यूपी से किसको मॉडल मिला है तो आई सेड uh, यथिराज सर का मैंने नाम लिया एंड देन uh, उन्होंने बोला कि अच्छा uh, कौन सा मेडल मिला है देन वो भी मैंने बताया फिर उन्होंने बोला अच्छा ये क्या है तो मैंने वो भी बताया कि वो नोएडा के डीएम है देन और क्या पूछा था उन्होंने इसी से रिलेटेड हाँ ये पूछा था कि वो कौन सा गेम uh, uh, खेलते हैं ठीक है थीके? तो मैंने वो भी बता दिया बैडमिंटन देन शी सेड कि अच्छा तो बैडमिंटन के मुझे और प्लेयर्स के नाम बताइए तो मैंने उस टाइम पे मुझे सिर्फ पीवी सिंधु का नाम याद आया तो मैंने पीवी सिंधु बोला और मुझे एक और नाम याद आ रहा था ज्वाला एक ज्वाला गुट्टा ऐसे कर कुछ नाम है ज्वाला डबल्स खेलती हैं वो तो मुझे उनका नाम याद आ रहा था तो मैंने सिर्फ इतना कहा बट मैंने कहा मैम मैं कन्फर्म नहीं हूँ बट uh, वो मिक्स खेलती है मतलब वो डबल्स ज़्यादा खेलती है तो कहने लगी कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा भवानी देवी नाम सुना होगा आपने ऐसे उन्होंने कहा तो मैंने कहा यस मैम वो वो डिफेंस मेरे मुंह से निकला अगेन uh, uh, मैंने डिफेंसर वहाँ पे कहा तो उन्होंने बोला डिफेंसर तो फिर मुझे याद नहीं आ रहा था मैम ऐसा ही कुछ है बट मैं कंफ्यूज हो रही हूँ तो मैम ने कहा अच्छा तो फिर उन्होंने कहा कि हिंदी में बताइए तो हिंदी में आई वाज लाइक कि अब मैंने सिर्फ ऐसे बोला कि मैम तलवारबाजी हो तलवारबाजी कहते हैं उसको तो मैम कहती हाँ यही तो कहते हैं यही तो सुनना था तो वो हो गया ठीक है देन ऑलवर बट जो पैनलिस्ट थे वो इतने अच्छे थे बहुत मुझे मेरा जो uh, मतलब एक्सपीरियंस कह रहा था काफ़ी अच्छा था वो लोग रिस्पॉन्स दे रहे थे मतलब कि हाँ सही कह रही हो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने uh, मुझसे पूछा कि मेरे जो पीजी के सब्जेक्ट्स पूछे थे कि आपकी पीजे के सब्जेक्ट्स बता दो आपने उसमें क्या पढ़ा है ठीक है तो मैंने दो चार सब्जेक्ट के नाम लिए और मैंने एग्रीकल्चर वाला सब्जेक्ट भी पढ़ाया अपनी पीजी में तो एक सेमेस्टर uh, में मेरे था तो मैंने वो भी इंक्लूड किया था तो अच्छा Then, uh, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है देन उन्होंने मुझसे कंटेंजेंट लाइबिलिटी पूछी तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि ये पढ़ लेना ये पूछ लेते हैं वो तो थैंक यू सो मच फॉर uh, दैट कि ये मुझसे पूछ लिया था मैंने ये प्रिपेयर करा हुआ था तो मैंने ये बता दिया देन उसके बाद उनका आया था कि हाँ ये कंटेंजन लैबिलिटी बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं हम तो मैंने ये भी बता दिया उनको एंड uh, उसके बाद उन्होंने पूछा था कि इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं तो ये मैंने बताया उनको उन्होंने एग्जाम्पल्स भी पूछे थे तो मैंने वो भी बता दिए थे फिर उसके बाद uh, उन्होंने मुझसे पूछा था वॉट इज़ डेट इक्विटी रेशो तो आई सेट सॉरी ये मुझे नहीं याद आ रहा है तो ये तीन मेरे इधर के हो गए और उन्होंने कहा ठीक है ओके चलता है थर्ड में एक सर बैठे थे आ, उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया उन्होंने कहा सर आप पूछ लीजिए तो सर ने मुझसे पूछा कि आ, अच्छा आरबीआई के बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए तो आई वाज लाइक ये मेरे साथ मतलब एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली एक आध वीडियो देखी थी तो उसमें एक ऑलरेडी उनका उन्हों, इंटरव्यू था तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने वो सेंटेंस बोला तो पैनलिस्ट खुश हो गए ठीक है और मैंने मैंने सोचा कि ठीक है यही बोल देती हूँ मैं भी तो मैंने यही बोल दिया कि आर बी आई इज द मदर एंड फादर ऑफ द बैंक्स तो अगेन द पैनलिस्ट मतलब सारे मिलके इतनी तेज हंसे कहते हैं वो सर ने मुझसे फिर से पूछा कि अरे एक बात बताओ ये सारे बच्चों को ये बताया किसी ये पढ़ा कौन रहा है उन्होंने मुझसे ये बोला आप मुझे आप हमें बस इसका आंसर दे दो ये सोर्स क्या है कौन पढ़ा रहा है ये चीज तो मैंने जो जहाँ से मैंने पढ़ा था मैंने सही बता दिया उनको कि आ, सर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी तो वहां पर वो, वो मैम ने बोला था उन, उनके इंटरव्यू में तो उनको किसी सर ने पढ़ाया था मैंने नाम नहीं लिया स्पेशली जबकि वो मैम ने नाम लिया हुआ था कि किन सर ने पढ़ाया था तो सर कहते हैं अच्छा 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 ठीक है तो मतलब आपकी गलती नहीं है जो भी उन, मतलब उनका यह था कि उन्होंने शायद ये आंसर दो तीन कैंडिडेट से सुन लिया होगा अभी तक तो उन्होंने मुझसे ही पूछ लिया कि आप तो अपना सोर्स बता दो तो मैंने बता दिया जो था तो उसके बाद वो कहते हैं उसके बाद कहते हैं हाँ जिन सर ने मुझसे आर के बारे में पूछा था उस सर ने बोला कि बेटा आर बी आई इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल दी बैंक सर कहते हैं कि अब आप बाहर जाओ तो आप सबको ये बताना कि आर बी आई इज रेगुलेटर नॉट मदर इन फादर ऑफ ये गलत सेंटेंस है आर बी आई इज द रेगुलेटर तो उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा ठीक है सर मैं यही बोलूंगी अब एंड उन्होंने ये कहा और फिर वो आपस में मतलब मुझे आपस में उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन गलत गलत पढ़ा रहा है बच्चों को ऐसे करके मतलब कुछ तो वो मरमरिंग कर रहे थे देन उसके बाद एक सर ने मुझसे पूछा कि वॉट इज पी एस एल पी एस एल के बारे में कुछ बताओ तो मैंने वो बताया फिर उन्होंने बोला कि यही सेक्टर में पी एस एल मतलब इसकी जरूरत क्या है पीएसएल की तो आई जस्ट एक्सप्लेन जो भी मुझे समझ में आया तो मैंने मतलब वो आपस में ही थोड़ा सा कुछ तो बात कर रहे थे और उसके बाद हंसते हंसते मतलब वो सिर हिलाने लगे थे ठीक है ऐसे करके उन्होंने सीधे नहीं बोला कि अच्छा तो आप जा सकते हैं बस वो ऐसे करने लगे कि हा, हाँ ठीक है आपस में पूछा किसी को कुछ पूछ रहा है तो एवरी वन वॉज सेटिस्फाइड एंड एंड जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे आई थिंक ही वॉज द चेयरमैन तो उन्होंने मुझसे कहा कि, कि अच्छा ठीक है uh, आपसे मिलकर अच्छा लगा और वेरी uh, गुड और फिर मैं मतलब उन्होंने इतना बोल दिया तो आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग देयर कि हाँ ठीक है अब मुझे जाना है तो मैं निकली तो मैंने बोला थैंक यू एंड uh, सबको बोला मैंने आई सेड हैव अ गुड डे इतना मैंने बोला तो पीछे से मैम ने बोला यू टू हैव अ वेरी गुड डे बहुत अच्छी सी स्माइल देके उन्होंने बोला देन आई लेफ्ट फिर मैंने नहीं देखा उनको और मैंने रूम को मतलब वो जो गेट था उसको बंद कर दिया एंड देन जो असिस्टेंट सर बैठे हुए थे बाहर एंड ही जस्ट आस्ट कि कैसा गया इंटरव्यू तो आई से uh, सर अच्छा गया तो मैंने बैग पैक किया और मैं बस बाहर आ गई तो ये मेरा इंटरव्यू था अब आप लोग बताइएगा कैसा रहा क्या रहा तो ये इतना ही सब कुछ हुआ है मेरे साथ और इसके अलावा मुझे भोपाल से मेरे पहचान के तीन बच्चे मिल गए थे मतलब तीन कैंडिडेट्स ऑलरेडी थे वहाँ पे तो हम लोग सब भोपाल के ही थे और हम सब आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में भोपाल में मिल चुके थे ऑलरेडी वी हैड अ वेरी गुड डे देयर एंड Uh, एक दो लोग मुझे तेलंगाना के भी मिले तो उनसे भी मेरी अच्छी बातें हो गई थी एंड जब मैं बाहर आई तो काफ़ी सारे पेरेंट्स वर वेटिंग की उनके बच्चे भी आने वाले हैं ऐसा वाली फीलिंग तो सब मुझसे पूछ रहे थे कैसा गया कैसा गया तो आई वाज वेरी हैप्पी कि हाँ ठीक है अच्छा ही गया है मतलब इतना बुरा भी नहीं बोल सकते हैं अब मुझे नहीं बताओ कितने मार्क्स देंगे इसमें बट ओवरऑल ठीक ही था एंड अब देखते हैं कितने मार्क्स मिलेंगे अब वो तो बात की बात है अब नेक्स्ट uh, एग्जाम के लिए देखते हैं एंड यही था मेरा इंटरव्यू uh, तो आप लोग बताइएगा अब आपका कैसा रहा क्या रहा सो जस्ट ऑल द वेरी बेस्ट की प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू बाय